3 मार्च रविवार को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में शामिल होने राजद के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर यादव अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ पटना पहुँचे। गौरीशंकर यादव पटना जाने से पहले इस संबंध में कहा कि महागठबंधन की जन विश्वास रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी सत्ता में आते ही देश के कल कारखानों को बेचने और निजीकरण का कार्य किया है। भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। रांची से दयानंद सिन्हा की रिपोर्ट। आज झारखंड खटाल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता श्री गौरीशंकर यादव जी अपने दल बल के साथ जन विश्वास रैली में जो तेजस्वी यादव का हो रहा है पटना में, वहां जा रहे हैं और बहुत ही मतलब इनका कहना है कि बहुत सारे लोग भी हैं जो गठबंधन के, वो लोग भी जा रहे हैं, लेकिन पर्सनली ये अपने जत्थे के साथ कितना जत्था लेके जा रहे हैं आप? हजारों की संख्या में लोग रांची से और पूरे झारखंड से लोग लाखों की संख्या में पटना जन विश्वास रैली में शामिल हो रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार के जो गलत नीतियों के कारण, तनाशाहियों के कारण गरीबों को शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, महंगाई के विरोध लोगों में आक्रोश है, जिससे कि पूरे देश से माननीय तेजस्वी यादव की जन समर्थन मिल रहा है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुखार फेंकेंगे। आप भी घटिया विधानसभा के लिए मेहनत कर रहे हैं, भावी विधायक हैं, कहीं आपका भी ये चीज है कि भाई आपका भी एक तरह से इसमें राजनीति है, उसमें कुछ बोलेंगे? देखिए, समय अनुसार आप लोगों को बताया जाएगा। अभी तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा आएगा, तो लोग जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होगा तो उस विधानसभा के विषय में आप लोगों को बता दिया जाएगा। मेरा तैयारी हटिया विधानसभा से जरूर है। अगर माननीय तेजस्वी जी और लालू जी के आशीर्वाद रहा तो मैं हटिया विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर मान लीजिए अगर राजद से नहीं रहा तो फिर समय अनुसार आपको बताया जाएगा। आज आप लोग क्यों घबरा गए? घबरा नहीं गए, इसलिए करे कि भाई मतलब आपको तो तय है कि आपको लड़ना है, किसी भी हालत में तय है, लड़ना ही लड़ना है क्या? समय अनुसार बताया जाएगा। आज किसे बता दें आपको? समय अनुसार क्या कर रहे हैं? लड़ना है तो लड़ना है। हम लोग लालू जी का सिपाही, अगर राजद नहीं लड़ेगा तो निर्दलीय से लड़ेंगे। लालू जी के आदेशों को हम लोग पालन करते हैं, तो कैसे आपको बता दें कि जबरदस्ती लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी भी आप पर डोरा डाल रहा है। हम लोग प्योर आरजेडी हैं। अच्छा, हम लोग संविधान बचाने चले हैं। जो महंगाई है कमरतोड़, उस महंगाई से पब्लिक को बचाने के लिए चले हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी जैसा पलटू चाचा नहीं है। पलटू नीतीश कुमार जी बार बार पलटी मार रहे हैं, 9-10 बार पलटी मार चुके हैं। तो पूरे देश के लोग पलटू राम नाम रख दिए, तो हम लोग पलटने वाले नहीं है। सच्चे लालू जी का सिपाही हैं। जो लालू जी का आदेश होगा उस आदेश को मैं पालन करूंगा। प्रधानमंत्री जी लंबे लंबे वादा करके गए, घोषणा करते हैं कि हमने इतना के नौकरी दिया तो इतना के झारखंड सरकार पानी नहीं पिलाने दे रहा है, कौन उनको रोक के रखा है? माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी झूठा वादा किया, 2 करोड़ छात्रों का मैं आऊँगा सत्ता में तो नौकरी दूंगा। वो नौकरी प्रधानमंत्री जी बताएं कि कितने लोगों का नौकरी मिला, कितने छात्र को नौकरी मिला और महंगाई कितना कम हुआ, विकास देश में कितना हुआ है। सिंदरी फैक्ट्री 34,000 करोड़ दिए हैं सिंदरी फैक्ट्री में, जहां हम लोग खड़ा हैं। HEC को तो बर्बाद करके माननीय मोदी जी रख दिए। यहां के लोगों को, HEC के लोगों को लगातार 24 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। उनका बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई है, दूध है, खाने पीने का बहुत सा सामग्री है, शादी ब्याह है, लेकिन न शादी भी अपना बाल बच्चों का कर पा रहे हैं,
ना पढ़ाई लिखाई बाल बच्चों को करा पा रहे हैं। पूरा HEC जब से माननीय मोदी जी केंद्र में बने, सत्ता में आए, पूरे देश के कल कारखाना को बेचने का काम किए, और जितने भी सरकारी, चाहे रेलवे हो, चाहे जितने भी सरकारी संस्था है, निजीकरण करने का काम किया है। और माननीय मोदी जी अभी धनबाद में आए तो उनका कहना था कि भाजपा के मतलब कि तेज विकास, इसीलिए केजरीवाल जी बोले थे कि चौथी पास राजा के कहानी कह रहे थे, इनको तकलीफ लग रहा था। तो अभी भाजपा के मतलब है कि सबसे बड़का झूठा पार्टी, अब BJP के मतलब है कि पूरे भारत जलाओ पार्टी, यही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को मूर्ख बनाने वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस बार तो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी तो, रघुवर दास जी तो पहले भी बोल रहे थे, उनका एक इंजन हम लोग सीज कर दिए हैं 2019 के चुनाव में, और 24 के चुनाव में जो केंद्रीय इंजन है, जो अगला एक इंजन और बचा हुआ है, वो भी इंजन सीज होने जा रहा है। वो 400 पार बकते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जीरो से आउट हो जाएंगे। आप लोग कितना आएगा गठबंधन? हम लोग पूरे बहुमत के साथ केंद्र में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। मोदी जी बोले 400 पार, आप कितना पार? 400 पार, 400 या 300 या 200 कहने से नहीं ना होता है। अब हम लोग भी तो बोल रहे हैं कि 543 सीट है, तो हम लोग भी 543 पा रहे हैं, तो 400 पार बोले, हम 500 पा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री, ये कोई मतलब नहीं हुआ। कल प्रधानमंत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर एक नया नाम दिए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर क्या कहेंगे? नया क्या नाम दिए नहीं दिए तो आप लोग बताइएगा क्या नाम दिए। मतलब बोला कि जम कर लूटो, जम कर लूटो। आप मोदी का मतलब क्या हुआ? आप लोग बताइए। मोदी का मतलब हुआ कि जितना गरीब गुरुआ है, जितना शोषित है, सभी को मार डालो, उसी का नाम है मोदी। तो एक साइड में वो बोलते हैं बेटी बचाओ, फिर आप बोल रहे हैं कि गरीब गुरुआ को मार डालो। जरूर बेटी बचा रहे हैं, मणिपुर में देखे होंगे कितने बेटी बचाए गए, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कितने रोज बेटी को जलाया जाए। जहाँ जहाँ BJP का शासन है वहाँ पूरा तनाशाही हो रहा है, पूरे बेटी को चीरहरण हो रहा है, जैसे कि हाथरस भी आप देखे थे। लेकिन मोदी जी वहाँ मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, गुंगा बहिरा बन जाते हैं। फिर भी तो देखा जा रहा है सरकार उसी का बन रहा है। देखिए, आपको छल कल बल सा बना ले रहे हैं, लेकिन सब जनता देख रही है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी देश की जनता। सर, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हैं। अरे रोका रोका, प्रधानमंत्री मोदी जी को आज विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कह देने से विश्व गुरु नहीं हो जाएंगे। जब से मोदी जी आए तो पूरे देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। सब पूरे देश का जितने भी गुंडा, जितने भी क्रिमिनल, जितने भी भ्रष्टाचार आज भारतीय जनता पार्टी में है, देख लीजिए।